बरसे झिम झिम बरसे झिम झिम बरसे अमृत धारा झिम झिम बरसे झिम झिम बरसे झिम झिम बरसे अमृत धारा मन पीवे सुन शब्द बिचारा मन पीवे सुन शब्द बिचारा झिम झिम बरसे झिम झिम बरसे झिम झिम बरसे अमृत धारा झिम झिम बरसे झिम झिम बरसे झिम झिम बरसे अमृत धारा सकिच घर में बाहर नाही सकिच घर में बाहर नाही बाहर टोले सो भरम बुलाई बाहर टोले सो भरम बुलाई गुर पर सादी जिना अंतर पाया गुर पर सादी झिम झिम बरसे अमृत धारा झिम झिम बरसे झिम झिम बरसे झिम झिम बरसे अमृत धारा झिम झिम बरसे झिम झिम बरसे अमृत धारा मन पीवे सुन शब्द बिचारा मन पीवे सुन शब्द बिचारा अनद बिनोद करे दिन राती अनद बिनोद करे दिन राती सदा सदा हर के झिम झिम बरसे अमृत धारा झिम झिम बरसे झिम झिम बरसे झिम झिम बरसे अमृत धारा जन्म 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 का बिछड़िया मिलिया साध कृपा ते सूखा हरिया साध कृपा ते सूखा हरिया सुमत पाए नाम दियाए सुमत पाए नाम दियाए गुरमुख होए मेला जियो झिम झिम बरसे झिम झिम बरसे झिम झिम बरसे अमृत धारा झिम झिम बरसे झिम झिम बरसे झिम झिम बरसे अमृत धारा जल तरंग ज्यों जले समाया जल तरंग ज्यों जले समाया त्यों ज्योति संग ज्योत मिला
झिमर से अमृत धारा, झिम झिमर से, झिम झिमर से, झिम झिमर से अमृत धारा, झिम झिमर से, झिम झिमर से, झिम झिमर से अमृत धारा। प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, अभी हम सब गुरु अर्जुन देव जी महाराज की लिखी हुई दिव्य वाणी सुन रहे थे। जब भी महापुरुष इस धरती पर आते हैं तो हमें बार बार समझाते चले आते हैं कि हमें अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। हम सब सदा सदा के सुख चैन, सदा सदा की खुशियाँ पाते हैं और हम सबकी यही कोशिश होती है कि हम जिंदगी सही तरीके से जिएं। तो अपने आप को सुखी रखने के लिए, सुख चैन देने के लिए हम दुनिया में बहुत सी चीज़ें करते हैं। बहुत से भाई बहन सोचते हैं कि अगर शरीर तंदुरुस्त होगा तो हम सुखी रहेंगे, तो समय शरीर को तंदुरुस्त करने में लगाते हैं। बहुत से भाई बहन सोचते हैं शायद अगर दिमाग तेज होगा तो हम बड़े खुश रहेंगे, तो वो अपने आप को और नॉलेजेबल बनाते हैं। कोई भाई बहन सोचते हैं कि शायद आर्टिस्टिक चीज़ें करके खुशी बहुत मिलेगी, तो वो उस किस्म की चीज़ें करते हैं। कोई सोचते हैं कि शायद जब हमें एंटरटेनमेंट मिलती है, अगर हम कुछ देखते हैं चाहे किसी भी एरिया में हो, तो हमें खुशी देगा तो हम खुशी से जिएंगे। तो इंसान दुनिया की चीज़ों में लगा रहता है सुख चैन पाने के लिए, खुशियां पाने के लिए, आनंद पाने के लिए। तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हमने खुशियां, हमने आनंद, हमने सब कुछ जो पाना है, जो पाने के लिए धरती पर आए, वो कहाँ पर है। इंसान जो बाहर घूम रहा है, कभी इधर घूमता है, कभी उधर घूमता है, कभी उधर घूमता है, कभी इस एरिया में जाता है, कभी उस एरिया में जाता है, कभी उस एरिया में जाता है, कि किस और हमें जाना चाहिए। तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि सब कुछ घर में बाहर ना आए। वो फरमा रहे कि सब कुछ जो इंसान को चाहिए वो प्रभु ने शरीर के अंदर दिया हुआ है। कोई भी चीज नहीं जो कि बाहर की दुनिया की है जो हमें सदा सदा का सुख चैन देगी। कि सब कुछ घर में बाहर ना आए, बाहर टोले सो भरम बुलाए। तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि जो इंसान बाहर की चीज़ों में खुशियां ढूंढने की कोशिश करता है, वो एक भ्रम की ज़िंदगी जीता है, एक माया की ज़िंदगी में अपना ध्यान देता है, एक इल्यूजनरी वर्ल्ड में जीता है। क्योंकि जो यहाँ दिखता है वो है नहीं, और जो सच्चाई है वो यहाँ से बाहर नहीं, अंदर की दुनिया में है। अंदर की दुनिया आध्यात्मिक दुनिया है, अंदर की दुनिया प्रेम की दुनिया है, अंदर की दुनिया सच्चाई की दुनिया है। तो जो सुख चैन हम पाने की कोशिश करते हैं, जो सोचते हैं कि ज़िंदगी हमारी इस तरीके से अगर चलेगी तो ज़िंदगी बेहतर होगी, तो गुरु साहब यहाँ समझा रहे हैं कि हमें अंदर की दुनिया में खोज करनी है। कि हमारे अंदर खंड मंडल हैं, जैसे बाहर की दुनिया में अलग अलग देश हैं, अलग अलग क्लाइमेट्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। तो इंसान जो एक देश में रहता है सोचता है दूसरे देश में देखे हूँ क्या है। हम ट्रैवल करते हैं
वोकेशंस पे जाते हैं। तो गुरु साहब फरमा रहे हैं कि हमारे अंदर बहुत कुछ है, हम अंदर की दुनिया में खोज करें। वो प्रेम की दुनिया है, वो खूबसूरत दुनिया है, वो शांति से भरपूर है, हमें आनंद देगी। और हमें बता रहे हैं कि हमें किस और ध्यान देना चाहिए। आगे फरमा रहे हैं कि गुर प्रसाद जिन अंतर पाया, सो अंतर बाहर सुहेला जियो। अब जनरली जब हम किसी गुरु के पास जाते हैं तो हम उनसे प्रसाद लेते हैं, हाथ बढ़ाते हैं, इसमें प्रसाद लेते हैं, कोई चाहे मीठा प्रसाद हो या किसी किस्म का भी प्रसाद हो। तो इंसान सोचता है कि प्रसाद वो है जो बाहर की दुनिया में मिलता है, लेकिन गुरु साहब उस प्रसाद की बातचीत नहीं कह रहे। गुरु साहब फरमा रहे हैं कि गुर प्रसाद जिन अंतर पाया, कि जिसने गुरु का प्रसाद अपने अंदर पा लिया, सो अंतर बाहर सुहेला जी, कि वो इंसान वो जीव अंदर से भी सुखी और बाहर से भी सुखी। तो अंदर का प्रसाद क्या है? बाहर का प्रसाद तो हम सब जानते हैं, उससे हम वाकिफ हैं, लेकिन अंदर में एक गुरु हमें क्या प्रसाद देता है? हमारे अंदर प्रभु का शब्द चल रहा है, वो शब्द जो कण कण में समाया हुआ है, वो शब्द जिसके जरिए सृष्टि रची गई, वो शब्द जो प्रभु से उत्पन्न हुआ, वो शब्द जो सारी सृष्टि को जान देता है, हमारे अंदर है। अब उसका हमें कुछ ज्ञान नहीं, तो एक सदगुरु अपनी तवज्जो देकर हमें उस शब्द के साथ जोड़ते हैं, हमें अंदर की दुनिया में जाने का तरीका बताते हैं, जिसे नाम दान कहा गया है, नाम की देन। वो क्या है कि जो हमारा अंदर शब्द चल रहा है उसके साथ हमारे सदगुरु हमें जोड़ देते हैं। जब हम उस शब्द के साथ जुड़ते हैं, वही गुरु का असली प्रसाद है, जो अंदर का प्रसाद है, जिसकी यहाँ गुरु अर्जन देव जी बातचीत कर रहे हैं कि गुर प्रसाद जिन अंतर पाया, सो अंतर बाहर सोहेला जी, कि जिसने अंदर में शब्द के साथ जोड़ देख लिया, जो उस शब्द के साथ जुड़ गया, वो अंदर से भी सुखी और बाहर से भी सुखी। उसकी जिंदगी एयर कंडीशन हो गई, बाहर गर्मी हो, सर्दी हो, बाहर दुख हो, बाहर सुख हो, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो अंदर शब्द के साथ जुड़ गया, जहां से सब कुछ मिलता है, वो शब्द जिससे सृष्टि रची गई। क्योंकि उस शब्द के साथ जुड़कर हम जो हमारा असली रूप है, जो हमारी आत्मा है, वो अंदर के मंडलों में रसोई करती है, अंदर के मंडलों में जाती है, और फिर पिंड से अंड में, अंड से ब्रह्मांड में, ब्रह्म से पार ब्रह्म में, उसको पार करते हुए सचखंड में पहुंचती है, और वहाँ उसकी आत्मा का मिलाप परमात्मा से होता है। तो उस आत्मा का जो ध्येय है इस जिंदगी में आने का, कि वो प्रभु से एक में हो, वो तब पूरा होता है जब अंदर की दुनिया में हम बढ़ पाते हैं। तो अंदर की दुनिया में बढ़ने के लिए एक गुरु का प्रसाद अंदर में पाना बहुत ज़रूरी है, कि जो शब्द है जो हमारे अंदर चल रहा है उसके साथ हम जुड़ सकें, और उसको पकड़ते हुए हम अंदर की दुनिया में बढ़ पाएं। तो यहाँ गुरु अर्जन देव जी महाराज यही समझा रहे कि गुरु प्रसाद जिन अंतर पाया, सो अंतर बाहर सोला जियो, कि वो अंदर से भी सुखी बाहर से भी सुखी, उसको उसको जो जिस मकसद से वो आया वो भी पूरा होगा, और बाहर की दुनिया में जो कर्मों करके ऊंच नीच आती है, दुख दर्द आता है, उसमें भी वो आसानी से गुजरेगा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी प्रेम से भरपूर होगी, उसका ध्यान पिता परमेश्वर में होगा। और इसी को आगे खोल के समझा रहे हैं, आगे फरमा रहे हैं कि झिमझिम बरसे अमृत धारा, कि झिमझिम बरसे अमृत धारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा। अब जो गुरु का जो प्रसाद अंदर मिलता है वो क्या है, उसको आप खोल के समझा रहे हैं। फरमा रहे कि हमारे अंदर झिमझिम होते हैं आस्ते 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 जब बारिश होती है, तो फरमा रहे कि झिमझिम वर्षे अमृत धारा, कि हम सबके अंदर अमृत बरस रहा है, बड़े आराम से बरस रहा है, हर समय बरस रहा है, 24 घंटे बरस रहा है,
हम जहां भी हों हमारे अंदर वो चल रहा है कि झिम झिम वर्षे अमृत धारा। तो ये अमृत क्या है, ये अमृत धारा क्या है? ये कोई मिठाई नहीं, कोई मीठी चीज नहीं, ये प्रभु का शब्द है। गुरबाणी में भी कबीर साहब ने फरमाया है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, कि एक नूर से सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। कि सबसे पहले पिता परमेश्वर से उनसे ये नूर आया, इसको अमृत कहें तो शब्द कहें, इससे सारी सृष्टि रची गई है और हम सब वहाँ से यहीं आए, तो कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, हम सब एक ही हैं। तो वो अमृत जो प्रभु से उत्पन्न हुआ, वो अमृत जिसके जरिए सारी सृष्टि रची, उसे शब्द कहा जाए, नाम कहा जाए, अमृत कहा जाए, वो हम सबके अंदर हर समय चल रहा है कि झिम झिम वर्षे अमृत धारा मन पीवे सुन शब्द विचार। तो करना क्या है कि जो हमारा मन है, जो बाहर की चीज़ों में लगा हुआ है, जो हमारे आत्मा को बाहर की ओर खींचता है, उसको हमने प्रभु की ओर लगाना है कि मन पीवे, वो जो अमृत हमारे अंदर चल रहा है, जो प्रभु का शब्द चल रहा है, उसको हमने मन की को उसके साथ जोड़ना है, उसकी ओर लगाना है। तो कैसे करना है? प्रभु के नाम का जाप करके। हम प्रभु को पाना चाहते हैं, मन की ताकत अगर बाहर की दुनिया में लगी रहेगी तो हम प्रभु की ओर ध्यान दिखा नहीं पाएंगे। तो मन को हमने प्रभु की ओर लगाना है, और इसीलिए मन को हम जिसे सिमरन कहा गया, प्रभु के नाम का जाप, उसमें लगाते हैं। क्योंकि जब मन प्रभु के नाम के जाप में लगता है तो उसमें ताकत नहीं होती कि हमें विचार भेजे, क्योंकि जैसे विचार आया हमारा ध्यान विचार में चला जाएगा। तो कहने के मन पीवे सुन शब्द विचारा। तो जब जब मन सिमरन में लगता है, प्रभु के नाम के जाप में लगता है, तो क्या होता है, जो शब्द हमारे अंदर चल रहा है उसका हम अनुभव करना शुरू कर देते हैं, उसकी ओर विचार करते हैं, उसकी ओर ध्यान देते हैं, उसका मनन करते हैं, उसको उसको पाते हैं, उसका अनुभव करते हैं। कि मन पीवे सुन शब्द विचारा, कहे जो शब्द है, जो अमृत है, जो शब्द है, जो हमारे अंदर चल रहा है, उसका अनुभव हम तब कर पाते हैं जबकि मन कोई वादा नहीं डाल रहा, नहीं तो मन हमारा ध्यान बाहर की ओर कर देता है। तो गुरु सब तरीका बता रहे हैं कि जो गुरु ने प्रसाद दिया है, इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं इधर कि वो है क्या और वो कैसे मिलता हमें। तो फरमा रहे हैं कि झिम झिम वर्षे अमृत धारा मन पीवे सुन शब्द विचारा, अनंत विनोद करे दिन राती सदा सदा हर केला जियो। तो कह रहे हैं कि जो उस शब्द के साथ जुड़ गया कि अनंत विनोद करे दिन राती, वो हर समय सुबह हो से शाम हो, दिन हो या रात हो, वो हर समय आनंद में रहेगा। जैसे कि फरमाया गया कि नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, कि वो जो नाम की खुमारी है, जो शब्द की खुमारी है, वो जो शब्द का प्रेम है, जो शब्द का इंटॉक्सिकेशन है, वो हर पल हर क्षण हमारे साथ रहती है। वो ध्यान उस और जिसका हो गया, जो शब्द के साथ जुड़ गया, तो ये फरमाया कि अनंत विनोद करे दिन राती, तो हर समय वो आनंद की अवस्था में रहेगा, इंटॉक्सिकेटेड रहेगा, ब्लिसफुल स्टेट में रहेगा, खुशियों से भरपूर रहेगा, और उसकी जिंदगी में कुछ दुख दर्द होगा नहीं। और सदा सदा हर केला जियो, के उसकी पूरी जिंदगी प्रभु के प्रेम की मस्ती में जीनी शुरू हो जाएगी। उसकी जिंदगी में कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, क्योंकि उसका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो गया और जिस ओर उसने जाना है उस ओर उसके कदम बढ़ने शुरू हो गए। और आगे फरमा रहे हैं कि हम लोगों की हालत क्या है और ये गुरुप्रसाद से होता क्या है। फरमा रहे हैं कि जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया, कि हमारी आत्मा लाखों करोड़ों सालों से प्रभु से बिछड़ी हुई है, कभी एक योनि में जाती है, कभी दूसरे में जाती है, कभी तीसरे में जाती है, और किसी योनि में वो ताकत नहीं कि वो प्रभु से मिल सके। ये सिर्फ मानव चोले में प्रभु ने यहाँ ये दसवां द्वार दिया है, जिसके जरिए हम अंदर की दुनिया में बढ़ पाते हैं। तो यहां फरमा रहे हैं कि जन्म जन्म का बिछड़िया मिला, कि हमारी आत्मा जो प्रभु से लाखों करोड़ों सालों से बिछड़ी हुई है, जब एक गुरु ने प्रसाद दिया तो वो शब्द के साथ जुड़ गई।
जहां से वो उत्पन्न हुई थी, जिसके जरिए यहाँ आई थी, जिसके जरिए सारे खंडमंडल बने हैं, जिससे वो परे हो गई थी, बिछड़ गई थी और 84 लाख जिया जून में भटकनी शुरू हो गई थी, कि मौका अब उसको मिला है कि वो उस शब्द के साथ जुड़ गए और फरमा रहे हैं कि जन्म जन्म का बिछड़ा मिलया सात कृपा थे सूखा हरिया, कि जब किसी संत महापुरुष की कृपा हुई तो हमारी आत्मा जो सुकड़ गई थी, सूख गई थी, उसमें हरियाली आ गई। आत्मा को खुराक शब्द की चाहिए। शरीर को खाने के लिए हम बहुत कुछ देते हैं, तरह तरह की चीजें देते हैं, दिन में कई बार खाते हैं ताकि शरीर तंदुरुस्त रहे, तो आत्मा को भी खुराक चाहिए। तो आत्मा जो लाखों करोड़ों सालों से प्रभु से अलग है, उसको शब्द के साथ मिलाप नहीं मिला, जुड़ी नहीं शब्द के साथ, तो सिकुड़ गई है। लेकिन जैसे ही एक संत महापुरुष की दया दृष्टि उस पर पड़ी, उन्होंने उसे नाम की देन दी, तो फरमा रहे हैं कि सात कृपा थे सूखा हरिया, कि जो आत्मा जो सुकड़ गई थी उस पर संत महापुरुष की कृपा हुई, वो हरियाली में आ गई, वो तंदुरुस्त हो गई, वो खुशियों से भरपूर हो गई और हर एक किस्म की खुशियां उसके अंदर आने शुरू हो गई। और आगे फरमा रहे हैं सुमत पाए नाम त्याए, कि उसको विवेक समझ में आ गया, उसको असलियत समझ में आ गई, समझ सही हो गई। सुमत पाए नाम त्याए, उसको समझ में आ गया कि प्रभु के नाम का जाप करके ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो समझ में आ गया कि जब प्रभु के नाम का जाप करेंगे तभी मन शांत होगा, तभी हमारी आत्मा अपनी यात्रा पर जा पाएगी। तो यहां पर गुरु साहब फरमा रहे हैं कि सुमत पाए नाम से आए गुरमुख होए मेला जियो, फिर वो इंसान जो नाम का जाप करेगा, वो इंसान जिसे नाम की देन मिल गई, वो इंसान जो प्रभु के नाम का जाप करेगा, जो सिमरन करेगा, उसी की समझ सही होगी। उसके जिसकी समझ सही होगी उसके सोच सही होंगे, जिसके सोच सही होंगे उसके बोल सही होंगे, जिसके बोल सही होंगे उसके कार्य सही होंगे, उसकी जिंदगी सही होनी शुरू हो जाएगी। तो फरमा रहे गुरमुख होए मेला जियो, तो वो गुरमुख बन जाएगा, वो उस अवस्था को पालेगा जहां पर उसकी आत्मा में ताकत आ जाती है, वो अपने आप को जान पाती है, जो कि चौथी स्टेज है, जहां पर वो उसको उसके ऊपर से ये जो पिंड आंड और ब्रह्मांड के जो आवरण है हमारे ऊपर, वो हट जाते हैं और वो अपने आप को पहली तरीके से समझ पाती है कि मैं तो प्रभु जैसे ही हूं। तो उस स्टेज को गुरमुख की स्टेज कहा गया। तो वो इंसान जो शरीर से ऊपर उठता है, अंदर के मंडलों में जाता है और उस चौथी स्टेज तक पहुंचता है, तो उस गुरमुख होए मेला जियो, तब काल देश से वो बाहर होता है और दयाल देश में पहुंच जाता है, फिर अपनी सदगुरु की मदद से वो फिर सचखंड में पहुंचता है और उसकी आत्मा का मिलाप फिर परमात्मा में होता है, तभी उसकी आत्मा का मिलाप पिता परमेश्वर से होगा। तो यहाँ गुरु साहब हमें यही समझा रहे हैं कि सुमत पाए नाम दयाए गुरमुख होए मेला जी, कि जब वो काल के देश से निकलेगा, दयाल देश में पहुंचेगा, तभी वो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लायक होगा। और आगे फरमा रहे हैं और समझा रहे हैं कि वो मिलाप जो वो कैसे होता है, कि आत्मा का मिलाप परमात्मा में कैसे होता है, वो दुनिया के एग्जाम्पल देके हमें समझा रहे हैं। तो फरमा रहे हैं कि जल तरंग जियो जल समाए, कि जैसे समुद्र की लहरें होती हैं वो समुद्र में समाई हुई होती हैं, कि जल तरंग जियो जल समाए त्यो ज्योति संग ज्योत मिलाया, कि जैसे जो लहरें हैं समुद्र की समुद्र में मिलती हैं, ऐसी जो हमारी आत्मा छोटी सी ज्योति है, क्योंकि वो भी प्रभु का अंश है, वो भी प्रभु की ज्योत से भरपूर है, वो जो पिता परमेश्वर जो महाज्योति है उसमें जाके समा जाती है। जैसे सूर्य की किरण सूर्य में समाती है, ऐसे ही वो समझा रहे हैं, एग्जाम्पल ये दो दिए हैं कि जैसे लहर समुन्द्र का हिस्सा है, वो जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा का हिस्सा है, लहर समुन्द्र में समाई हुई है, तो ऐसी हमारी आत्मा जो कि बिछड़ी हुई है वो प्रभु में जाकर समा जाती है। हमारी आत्मा एक छोटी सी ज्योति है, वो प्रभु जो महाज्योति है उसमें जाके समा जाती है। और फिर आखिर में फरमा रहे हैं कि कहो नानक भ्रम कटे की वाड़ा बोर ना होए जोला जियो, वो कह रहे हैं तब
जब हमारी आत्मा जाकर परमात्मा में लीन होती है तब जितने भी भ्रम हैं हमारे वो कट जाते हैं, असलियत क्या है वो हमारे सामने खुल जाती है, हम जान लेते हैं कि हम शरीर नहीं हम आत्मा हैं। उस आत्मा को ये मौका मिला है इस मानव चोले में आने का कि वो 84 लाख जिया जून से छुटकारा पा सके। हम अपनी आप को उस रूप में पाते हैं और फरमा रहे हैं कि बोहड़ ना होए जोला जियो, कि काल के दायरे से हमारी आत्मा निकल गई और उसे फिर 84 लाख जिया जून में चक्कर नहीं काटना, उसको बार 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 वापस नहीं आना है। वो पिता परमेश्वर में जाकर लीन हो गई और जिस मकसद से जिस ध्येय से हमें ये मानव चोला मिला है वो हम सबके लिए पूरा हो गया। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज हम सबको इस शब्द के जरिए यही समझा रहे हैं कि जो कुछ इंसान ने पाना है वो बाहर की दुनिया में नहीं है। बाहर की दुनिया में इंसान कोशिश करता है चलो मैं पैसे ज़्यादा कमा लूँ, मैं इंटेलिजेंट ज़्यादा हो जाऊँ, मैं सैरें भी ज़्यादा जगह कराऊँ, सबको मेरे को जानकारी भी हो, मेरे दोस्त मित्र भी ज़्यादा हो, मेरी वाकफियत भी ज़्यादा हो। इन सब का कोई फायदा नहीं, यहाँ गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मौत के समय इनमें से कुछ हमारे साथ जाएगा नहीं। हर एक इंसान की मौत तो होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जब हमें ये मानव चोला दिया गया कितनी हमने सांसें लेनी नहीं है वो फिक्स है। चाहे कोई राजा महाराजा हो, चाहे ग्रेट फिलोसोफर हो, चाहे कोई पेंटर हो, चाहे स्कल्पचर हो, चाहे कोई भी हो, जो भी मानव चोले में आया उसकी फिजिकल डेथ तो होगी। उस समय इंसान के साथ जाएगा क्या? बाहर का कुछ भी नहीं। अगर हमने 10 मकान बना लिए वो भी नहीं जाएंगे, 5 कारें हैं वो भी नहीं जाएंगी, बैंक में बैलेंस है लंबा चौड़ा वो भी नहीं जाएगा, तो जाएगा क्या? जो दोस्त मित्र हैं वो भी सब यहाँ रह जाएंगे, रिश्तेदार भी सब यहाँ रह जाएंगे, तो इंसान के साथ जाएगा क्या? क्या उसने कुछ आध्यात्मिक कमाई की? क्या वो प्रभु से जुड़ा? क्या जो जिंदगी का मकसद है उसने वो पूरा किया? जिसने वो पूरा कर लिया उसके लिए जिंदगी सफल हो गई। तो गुरु साहब हमें उस मकसद को पूरा करने का तरीका समझा रहे हैं। जो आज का दिन है इसको स्पिरिचुअल मास्टर्स डे करके भी सेलिब्रेट किया जाता है कि हम अपने गुरु को याद करें, ये जाने कि उनकी कितनी देने हमारी जिंदगी में है और अपनी जिंदगी उनके बताए हुए रास्ते के माफक बनाए। तो यहाँ गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि प्रभु ने हमें सब कुछ दिया हुआ है, हमें सिर्फ सही रास्ते पर चलकर उसको ढूंढना है। अगर सिर्फ मन इंद्रियों के घाट पर जीते रहे, अगर सिर्फ बाहर की दुनिया में ध्यान देते रहे तो सब कुछ जो हमें मिला है उससे हम कुछ पा नहीं सकेंगे। सब कुछ हमारे भीतर है, हमारे अंदर है, हमारा असली रूप आत्मिक है, ये शरीर हमारा घर है कि सब कुछ घर में बाहर ना ही, तो सब कुछ हमारे अंदर है। हम अंदर की दुनिया में जाने का तरीका जाने, हम अंदर की दुनिया में बढ़े, हम अपने अंदर गुरु के प्रसाद को पाएं ताकि हमारी आत्मा अंदर की दुनिया में बढ़ पाए और जो मकसद है हमें इस मानव चोले के मिलने का, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो हमारा पूरा हो जाए। कुछ चंद लफ्ज मैं स्पिरिचुअल मास्टर्स डे पर इंग्लिश में बोलने जा रहा हूँ और उसके बाद हम सब अभ्यास के लिए बैठेंगे। Dear brothers and sisters, I'm very happy to be here with all of you on the occasion of Spiritual Masters Day.
You know, Spiritual Masters Day is a day to honor our spiritual masters. It was instituted by Sant Darshan Singh Ji Maharaj on July 27th in 1980. You know, when Sant Darshan Singh Ji Maharaj first visited the West, he found that a day was celebrated to honor our mothers called Mother's Day, which was the second Sunday in May, and also a day was celebrated to honor our fathers, which was the third Sunday in June. And so Sant Darshan Singh Ji Maharaj felt that it would be very nice to have a spiritual master's day, a day in which we honor our spiritual masters who guide us, who help us, who put us on the path back to God. And so he thought, let that be the fourth Sunday in July. And the fourth Sunday in July in 1980 happened to be on July 27th, which also was the birth anniversary of his spiritual master, Hazur Baba Sawan Singh Ji Maharaj. And so as we look at the Spiritual Master's Day, this is a day to honor each and every one of our saints, our mystics, and our enlightened beings. And they've come in all faiths, they've come in all traditions, they've come in all times. And irrespective of who we believe in, this is a day where we can all come together. Because once we understand the teachings of the great saints and the enlightened beings and the spiritual masters, we find that the teachings are very, very similar. They all talk about God. They all tell us that there is God. You know, there are people today who might just think that maybe the world came haphazardly. But if you look at the world, everything is in cycles and everything is controlled. And so there has to be a power which controls everything. And so it's very easy to understand that there's some power which is controlling the whole creation that we are in. And that power is called God. We can use any names in any different languages. Sant Darshan Singh Ji Maharaj wrote very beautifully in one of his verses. He says, Hazar naam hai, har naam se pukar use. He says, we as human beings have given thousands of names to God. So let us God with thousands of names. It doesn't matter what name we use to call God. What is important is that we are calling God. And so the first principle which is in the teachings of all saints is that there is God. The second point that they all tell us is that we are a part of God. We are all connected with God. We are all part of one great family of God. And then we have the same essence as that of God. And so this is embedded in each and every one of the traditions also. And the third thing that is talked about is that we all can know God. We can meet God, we can be with God, we can understand God, we can be experiencing God. That we can experience God while being in the human body. We can have our experiences of God, and the experiences of God in different traditions could be felt differently. But we all talk about being able to experience God. The fourth thing that is talked about is to be able to experience God, we need to have a life of love. We need to experience love in our being. We need to experience God's love, because God is an ocean of all love. Our soul, which is a real self, being a part of God, is also full of love. And the way back to God is also through love. And so that is also found in most of the scriptures of the world, that those who love are the ones who find God. And the fifth thing that is talked about is to have trust in God. Most of us take God as guaranteed. When things are going well, we're very happy with God. And when things are not working according to what we would like, according to what our wishes are, then all of a sudden we start to complain to God. So trust in God and realizing
that everything that is right for us is going to be happening in our life under God's will. At that time, whether we understand it or not, but those who have faith, who have trust in God, they realize that God is there to protect us. That the hand of God is always there to help us through the ups and downs of life. And there will be many ups and downs of life that we'll be passing through. So when we have trust in God, then we realize the protection of God. And then we also realize that even though we might not be able to understand what is happening, whatever is happening is the right thing for us. There's a very interesting example from the past. This is about a man who was traveling to a faraway town. So this is before there were cars or automobiles or other ways of traveling. And most people would travel by foot. So as he was going to take a few days to get to his destination, so he took his cow with him because he thought the cow would give him milk on the way. He took his dog with him because the dog would be there to protect him and bark at others, so he's protected. And since he enjoyed reading, he took a lantern with him because at night he needed a lantern and he could read. And so he gathered these things and other necessities that he felt he would need, and he started going. And so before it would get dark, he got to another town. And so for the night he wanted to retire there. So he went to one inn to stay there, but they said, "We have no place." He went to another inn to stay there, they said, "We have no place." And so he went to many places, many inns in that town, and all of them were full. And he even said, "Oh, can I sleep on your sofa in the lobby?" And they said, no, we have too many people here already." So then it was getting dark, so he decided to keep on walking, and he walks and gets to the woods. So he gets to the woods, he finds a place to rest, he lights up his lantern, he's doing his cooking, and he eats, and now he's getting ready to retire. So he ties the cow, and the dog is with him to protect him, and he's reading, and all of a sudden, there's a great wind, a big wind comes in, and it takes a lantern, and it crashes the lantern, lantern's all gone. He starts to complain to God, because it gets very dark now. And he said, "God, first I was looking for a place to sleep in the town, and you did not help me. And I went from one place to another, to another, to another, and I did not find any place to stay, but I thought maybe that's God's will, and I came into the woods. But now, you know, the only lantern I had to light myself, because I have to go on the journey, you've broken now. It's all broken because of the wind. Now I won't be able to see anything at night, and it's going to create a lot of trouble for me." So, you know, whenever things are not working for us, we complain. And then he decided to go to sleep. So as he was sleeping, you know, it's the woods, and so some wild animals came in, and the dog got very scared and ran away. After a while, a few thieves came in, and they saw the cow being tied there. They untied the cow and they took the cow with them. So when this man got up in the morning, he was shocked to see that there was no cow and there was no dog. He got very angry at God. He said, "God, how can you do this to me? The cow was supposed to give me milk so I could survive my journey. The dog was supposed to protect me. My lantern you broke also. And I don't know why you're punishing me." And then he thought, "Okay, let me go back to the town and get some food to eat. And maybe I can get some milk and other things, and I can go on my way and figure something out." And as he walked into the town, he was shocked at what he saw. The whole town was burned down. He could not see any person. And he's walking through the streets. You know, this building is gone, that building is gone, that building is gone. And there's no one there. And finally, as he's walking down, he runs into an older gentleman. So he asks the gentleman, "What happened? I was there yesterday, and this town was bustling with people, and there's no one here now."
And the elderly gentleman said that the enemy, they came and invaded the town. And they burned the town and they killed everyone in the town. I'm the only one who got saved because I was hiding in my small hut and they could not find me. And it was then that that person realized that it wasn't God who was giving problems to him, it was God who protected him. If he would have gotten a room in one of the inns in that town, he would have been killed. Because when the enemy came and they plundered the town, they ransacked the town, they put fire to all the buildings, they killed all the people there, he would have definitely been killed. If the wind would not have come in the woods, his lantern would be there, and if the lantern would be there, the invading army which is going through the wood would have seen it, and then they would have killed him. If the dog had not run away and the cow had not been stolen, the dog might be barking when it heard all these troopers go through the wood, and the cow might have moved, and so he got saved. It was then that he realized that the hand of God was there to protect him. You know, many times we don't know what is good for us. We only think in the arena of whatever our experiences have been. And it's in that arena that we think that this is right for me and this is not right for me. As we go through life, and those of you who have children, you will realize that many times the children want something. Now, as parents, we might realize that's not good for them. And then we have to keep that object from the child. But the child does not know any better, because the child in their own thinking think that this is what they want and this is what they need and this would be good for them. But as parents, since we've gone through life, we can make a better judgment. So we are all God's children. We only experience through our outer senses in this world. And so whatever we've experienced is what we think to be reality, and we feel that everything would be focused on that. Little do we realize that there's much more to life. We don't know what our past was, we don't know what our future would be, but God is all-knowing. When we have trust in God, that God the Creator is going to take care of us, then we'll find that all good things are bound to happen in life. So having trust in God is what makes life to be livable. Otherwise, the ups and downs of life are going to create havoc in our life, because we as human beings expect certain things to happen a certain way, and when they don't happen that way, we get devastated, we get angry, our tempers go up, and all of a sudden we're in turmoil. We need to lead lives which are calm, which are peaceful, which are happy, and which are joyous. In all spiritual masters, all saints, all mystics, all enlightened beings want us to lead a life like that. They tell us that the purpose of life is to have us be connected with God. We're all here that our real self, our soul, communes with God, that we experience God, we find that connection. And to have that connection, we need to focus our attention within ourselves. God is not in the world outside. God is within each and every one of us. The techniques of going within could be called meditation, could be called inversion, could be called sitting in silence, could be called prayer with attention. These are different names of being able to go on the spiritual journey. The journey within is a journey of love. And as we go on the spiritual journey, we start to experience love far, far, far greater than we've ever experienced before.
there were people who had near death experiences, and they talk about going through a tunnel and reaching a being of light, and they talk about being embraced by the being of light, and they talk about experiencing so much love and being in that presence of the being of light that they had never experienced in their whole lives, and they did not want to come back. But it wasn't their time to finally leave the body, so they came back into the body and started recounting those experiences. So when you experience the love from the being of light to be so great, you can well imagine how much greater would be the love of God. And God is within each and every one of us, and we all can experience God. Many times we close our eyes and we think maybe there's only darkness. But those who love God, they realize that in the darkness there's always light. Many times we forget about God because we get so busy in our day-to-day lives and things are working well, and we forget God. Not realizing that we might forget God, but God never forgets us. God is always holding our hand, God is always supporting us, God is always picking us up on God's shoulders so that we can pass through this life in the best possible manners. So whenever we remember God, those are the best times of our life. And so remembering God is called Simran. Simran means repeating God's name, it means remembering God, means that our attention is focused on God, means that we experience within ourselves the joys of finding the connection with God. And what is very interesting is that all saints and mystics have written about being enlightened, being awakened. They all talked about this world outside being a world of illusion or world of Maya or a world of darkness, and that there is light in there, and the light that is there in this world of darkness is the light of the Creator. And that light can be experienced by each and every one of us. Sandarshan Singh Ji Maharaj had written many, many verses about the spiritual journey. In one, he talks about God as being our beloved, because this is the path of love. A soul, which is a drop of the ocean of all love, is full of love. And so our soul in the journey towards God goes in the lane of love. And so wherever there's love, there's joy, there's happiness, there's beauty, there's enlightenment. And so Sandarshan Singh Ji Maharaj is taking this state, and he's talking about the state that we're all in. And if we're all in, you know, some kind of a sorrow here, we think this thing didn't work according to what we wanted, that thing didn't happen that we thought should happen. And so we're going through life in sorrow. But Sandarshan Singh Ji Maharaj is saying, let us not be in sorrow. So this is what he wrote. He says, Zindagi meri nahi mohtaje funuso charag. Zindagi meri nahi mohtaje funuso charag. Shame gam jab yaad aaye tum to ujala ho gaya. Ki shame gam jab yaad aaye tum to ujala ho gaya. So when we translate this into English, it is, in this night of sorrow, because we're always in some kind of a sorrow. So it says, in this night of sorrow, I need neither the candle nor the chandelier. He said, in this night, I don't need the lamps or the lights or the candles or the chandelier. But I'm going through this time in my life, and I'm going through ups and downs of life, and I'm passing through the difficult period, and it looks like there's darkness all around me. But I don't need the candles or the chandeliers or the lamps to lighten my life. And he says, for when I remember you, O beloved, and he's talking about God. He's talking about, when I remember you, O God, there is nothing else but light. So he's telling us, when we remember God, when we repeat God's name, which is called Simran, when we do Simran, our attention goes on God. And so in front of us, in the darkness, light pours forth. The light and sound, the divine light and sound, are two primal manifestations of God.
as we take steps within ourselves, we get connected to the divine light and sound of God. And so the saints and mystics are always exhorting us to go within, to sit in silence, to let the light of God enlighten our being, so that each and every pore of our being is full of the light of God. So that we are happy, we are joyous, we are in a state of bliss. We are experiencing a part of God, we are experiencing God through the two primal manifestations. And as we connect with God, we'll find that life would be joyous and life would be fulfilling. So on this Spiritual Master's Day, let us think of our spiritual masters, whatever faith we are, whatever cultures we belong to. Let us think of the guidance they provided to us. Let us think of the path they showed us, the path of love. And let us find the connection with the Creator. So let us meditate for a few minutes. Please sit as comfortable as you can. Close your eyes very gently, just like you close them when you go to sleep. Your eyeball should be straight, focus 8 to 10 inches in front of you. And as you close your eyes, those of you who have been initiated in the mysteries of the beyond, please do a simran. And those of you who are new here, please repeat any name of God that you feel comfortable with. This repetition of God name should be done mentally and not out loud. Right in front of you, there will be darkness. But with time, light will spout forth. Could be circles of light, could be flashes of light. Light could be of various colors. It could be golden, it could be white, it could be red, blue, green, yellow, orange, or any other color. So keep your gaze in the middle of whatever your experience is. And then you'll be able to go beyond the lights. Get to a sky full of stars, and a moon, and a sun, and many, many other vista will open up for you. So keep your gaze right in the middle of your experience. And I pray to God Almighty and to the three great masters of the past century, Hazur Baba Sawan Singh Ji Maharaj, Param Sant Pal Singh Ji Maharaj, and the gracious Master Sandarshan Singh Ji Maharaj, to help each and every one of us connect with the divine power within and to have us experience the divine light of God within ourselves. We'll be sitting for a few minutes. I'll be getting you out of this meditation at that time. And my best wishes are with each and every one of you. Thodi der ke liye aap sab abhyas ke liye baith jaiyega. Aap jahan bhi baithe aaram se baithega. Apni aankhein band kar lijiyega. Ye jo aankhon ke dele hain seedhe samne hone chahiye. Aankhein band karte hi wo bhai bhain jinhe naam ki den mili aap simran kijiyega. Jo bhai bhain yahan naye hain, अब पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में और जो पिछली संचय के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर सुदर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है महापुरुषों में दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर हमें ज्योति के दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में आकर मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
प्लीज लीव ऑफ छोड़ दीजिए जी। सब कुछ है दीदे दिलदार, उनको देखना वो है तो सब कुछ है, उनको देखना है तो सब कुछ है। दीदे दिलदार है तो सब कुछ है, अपना घर यार है तो सब कुछ है, अपना घर यार है तो सब कुछ है। चाहता क्या है बुलबुले नादा, ए बुलबुले नादा, ए नादा, ए नादान, चाहता क्या है, चाहता क्या है ए बुलबुले नादा, उसका गुलजार है तो सब कुछ है। कहूं कैसे क्या ऐ खुदा चाहता हूं, कहूं कैसे क्या ऐ खुदा चाहता हूं, क्या फरमा रहे हैं बड़े महाराज, खुदी को मिटाकर खुदा चाहता हूं, खुदी को मिटाकर खुदा चाहता हूं, खुदी को मिटाकर खुदा चाहता हूं। अरे जुनू सा कोई रहनुमा चाहता हूं, 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 जुनू सा कोई रहनुमा चाहता, अरे रहनुमा चाहता हूं, रहनुमा चाहता हूं, रहनुमा चाहता हूं, रहनुमा चाहता हूं, ओहो जुनू सा कोई जिंदगानी, जिंदा जावे जो हमेशा जिंदा रहे सबके दिलों में, सबके मन में, सबके
दिलों में बस जाए वो जिंदा जावेद होता है। क्या अल्फाज इस्तेमाल करें हैं, क्या शब्द यूज करें हैं, वाह 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 वाह। ओहो जो बख्शे मुझे जावेदा जिंदगानी, जो बख्शे मुझे जावेदा जिंदगानी, जो बख्शे मुझे जावेदा जिंदगानी। एक ऐसा नजर, एक ऐसा नजर जा फिजा चाहता हूँ, एक ऐसा नजर जा फिजा चाहता हूँ, एक ऐसा नजर जा फिजा चाहता हूँ, एक ऐसा नजर जा फिजा चाहता हूँ। ऐसी ऐसी नजर हो जाए, नजर जा फिजा, जिसकी एक नजर में काम हो जाए, दीन दुनिया सब संवर जाए, ऐसी नजर जाफिजा। एक ऐसा नजर जाफिजा चाहता हूँ, एक ऐसा नजर जाफिजा चाहता हूँ, एक ऐसा नजर जाफिजा चाहता। अजल से ही हूँ, अजल से शुरू से, अजल से ही हूँ तेरे दर का भिखारी, 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 तेरे दर का भिखारी। अजल से ही हूँ तेरे दर का भिखारी, अजल से ही हूँ तेरे दर का भिखारी। रुतबा सर जिस पे ना झुक जाए उसे दर नहीं कहते, सर जिस पे ना झुक जाए उसे दर नहीं कहते, और हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। मेहरबानी, शुक्रिया। हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। रुतबा रुतबा ये मेरे सर को तेरे दर से मिला है, रुतबा आदर, रुतबा ये मेरे सर को तेरे दर से मिला है, हालांकि मुझे सर भी तेरे दर से मिला है। हालांकि मुझे सर भी तेरे दर से मिला है, औरों को जो मिला है, औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, अरे हमको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। तेरे दर का भिखारी, 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 तेरे दर का भिखारी। बयां हाल दिल में करूं क्या जबान से, जानता है मैं क्या चाहता हूँ, नहीं जानता मैं
मांगू जो मेरे लिए हो, जो मेरे लिए हो, अरे जो मेरे लिए हो भला चाहता हूँ, 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 जो मेरे लिए हो। मैं दर्शन गुनाहगार हूँ अपने सर पर, तेरा पाक साया सदा चाहता हूँ, तेरा पाक साया सदा चाहता हूँ, तेरा पाक साया सदा चाहता हूँ, तेरा पाक साया साया, तेरा पाक साया साया, तेरा पाक साया सदा चाहता हूँ, तेरा पाक साया सदा चाहता हूँ, तेरा पाक साया सदा चाहता हूँ, तेरा पाक साया सदा चाहता हूँ। कहूँ कैसे क्या है खुदा चाहता हूँ, कहूँ कैसे क्या है खुदा चाहता हूँ। भला हुआ मेरी मटकी फूटी, भला हुआ मेरी मटकी फूटी, क्या हुआ मेरी मटकी से झूठी कबीरा, भला हुआ भला हुआ 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 कबीरा, भला हुआ हर बिसरे मोरे सर से टली भला, भला जी मोरे सर से टली भला, कबीरा भला हुआ। साधु बैठे सराय में, साधु बैठे सराय में, सो सबकी मांगे खैर, साधु बैठे सराय में, सो सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। कबीरा भला हुआ भला हुआ कबीरा, भला हुआ भला हुआ कबीरा, भला हुआ भला हुआ मोर सर से टली भला, भला मोर सर से टली भला, भला जी मोर सर से टली भला, हर बिसरे मोर सर से टली भला, बिसरे मोर सर से टली भला। कबीरा भला हुआ भला हुआ कबीरा, 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 जैसे थे वैसे भए, जैसे थे जैसे थे वैसे भए, जैसे थे वैसे भए, और फिर कुछ कहीं न जाए। कबीरा भला हुआ भला हुआ कबीरा, भला हुआ भला हुआ कबीरा, भला हुआ कबीरा,
माला तेरी काट की और लीनो धागा फिरोए, माला तेरी काट की और लीनो धागा फिरोए, माला तेरी काट की और लीनो धागा फिरोए, माला 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 तेरी काट की और लीनो धागा फिरोए, अरे मन में कुंडली पाप की, मन में कुंडली पाप की, अब राम भजे क्या होए, कभी 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 राम भजे क्या होए, मन में कुंडली पाप की, मन में कुंडली पाप की, अब राम भजे क्या होए, कभी राम भला हुआ, और देखन को है दो, साजन हम तुम एक है और देखन को है दो, साजन हम तुम एक है और देखन को है दो, मन से मन को तोलिए, मन से मन को तोलिए, मन से मन को तोलिए, अब दो मन कबू न हो, जासे मन पतियां, प्रीत करे तो ऐसी करे के जासे मन पतियां, और जने जने की प्रीत से, जने जने की प्रीत से, सो जन्म अकारत जाए कबीरा, अकारत जाए कबीरा, अकारत जाए कबीरा, भला हुआ भला हुआ कबीरा, भला हुआ ऐसी करे के जैसे लांबे खजूर, ईद करे तो ऐसी करे के जैसे लांबे खजूर, अरे प्रीत करे सो ऐसी करे के जैसे लांबे खजूर, प्रीत करे तो ऐसी करे के जैसे लांबे खजूर, अरे चढ़े तो चाखे प्रेम रस, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, हो चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर कबीरा, गिरे तो चकना चूर कबीरा, गिरे तो चकना चूर कबीरा, गिरे तो चकना चूर कबीरा। देखिए इन सब बातों को तो हम क्या समझेंगे, आप क्या समझेंगे, ये समझ रहे हैं, इनकी मुस्कुराहट में सब छुपा है, सब समझ रहे हैं, ये क्या बात है। चढ़े तो चाखे प्रेम रस, वो चढ़े तो चाखे प्रेम रस, और गिरे तो चकनाचूर कबीरा, भला हुआ भला हुआ 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 कबीरा। प्रीत करे सो ऐसी करे के जैसे करे कपास, प्रीत करे तो ऐसी करे के जैसे करे कपास, जीते जी तो संग रहे, 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 मरे न छोड़े साथ कबीरा, 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 संग रहे हाँ जीते जी तो संग रहे, हाँ जीते जी तो संग रहे, बस जीते जी तो संग रहे, बस जीते जी तो संग रहे, बस जीते जी तो संग रहे, और मरे न छोड़े साथ कबीरा, भला हुआ भला हुआ कबीरा, भला हुआ भला हुआ कबीरा।
भला हुआ कबीरा, भला हुआ, भला हुआ कबीरा, भला। खुदा मेरा साचा नबी मेरे साचे, खुदा मेरा साचा नबी मेरे साचे, और गुरु भी मिला है तो साचा मुझे, हदहद के मैदान में सो रहा कबीरा सोए, अजी मेरे पीर कुछ ऐसा रंग ना, 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 अजी मेरे पीर कुछ ऐसा ऐसा रंग ना, अजी मेरे पीर कुछ ऐसा रंग ना, अजी रो मुर्शिद कुछ ऐसा रंग ना, पीराने पीर कुछ ऐसा रंग ना, पीर कुछ ऐसा रंग ना, पीराने पीर कुछ ऐसा रंग ना, अजी मेरे पीर, 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 वो बड़े कुछ ऐसा रंग ना, अजी मेरे पीर कुछ ऐसा रंग ना, जो देखे मुँह तक ना तक 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 ना, जो देखे जो देखे मुँह तक ना तक ना, जो देखे मुँह तक ना तक ना, माँ बहनों की मेरे भाइयों की जितने हैं सबके मन की बात है ये, सब मजे लीजिए। जो देखे मुँह तक ना तक ना, जो देखे मुँह तक ना तक ना, जो देखे मुँह तक ना तक ना, अजी मेरे पीर जी, मेरे पीर कुछ ऐसा लगना, जी मेरे पीर कुछ ऐसा लगना, जी मेरे पीर कुछ ऐसा लगना, सूरत सीरत बने तुम्हारी, 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 इतना तो इश्क यार में ढल जाना चाहिए। सूरत और सीरत बने तुम्हारी। शुक्रिया। इतना तो इश्क यार में ढल जाना चाहिए, तस्वीर यार खुद में नजर आना चाहिए। सूरत सीरत बने तुम्हारी, सूरत सीरत बने तुम्हारी, सूरत सीरत बने तुम्हारी, नक्शा ऐसा जमना जमना, 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 जो देखे मुँह तक ना तक ना, अजी मेरे पीर कुछ ऐसा लगना, अजी मेरे पीर कुछ ऐसा
सीरत बने तुम्हारी, सूरत सीरत बने तुम्हारी, सूरत सीरत बने तुम्हारी, नक्शा ऐसा जमुना जमुना, नक्शा ऐसा जमुना जमुना, नक्शा ऐसा जमुना जमुना, नक्शा ऐसा जमुना जमुना। किसी के हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा, हमें हीरों से क्या मतलब, हमारा यार है हीरा। सीरत बने तुम्हारी, अरे नक्शा ऐसा जमुना जमुना, नक्शा ऐसा जमुना जमुना, नक्शा ऐसा जमुना जमुना, जो देखे मुंह तकना तकना, अजी मेरे पीर सारंगना, अजी मेरे पीर कुछ ऐसा रंगना, अजी मेरे पीर कुछ ऐसा रंगना, अजी मेरे पीर। अब तो आ जाओ खाना दिल में, अब तो आ जाओ, आ जाओ, अब तो आ जाओ खाना दिल में, बड़ी खराब है हालत गरीब खाने की, आओ आओ जल्दी आओ, आओ आओ जल्दी आओ, पीर आओ आओ जल्दी, मेरे पीरो मुर्शिद आओ आओ जल्दी आओ, आओ आओ जल्दी आओ, आओ आओ जल्दी आओ। अपनी ताबे नजर
मेरी नजरें भी जकड़ी हुई है, 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 मेरी नजरें भी जकड़ी हुई है। वो जिधर है, वो जिधर है उधर देखता, 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 देखता हूँ वो जिधर है उधर देखता, देखता हूँ वो जिधर है उधर देखता, वो जिधर है उधर देखता, दीवाने की नजरों को जहाँ देख रहा है, दीवाने की नजरों को ये जहाँ देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है, वो जिधर है उधर देखता, नजरों पे रश्क आ रहा है, अपनी नजरों पे रश्क आ रहा है, अपनी नजरों पे रश्क आ रहा है, अपनी नजरों पे रश्क कहते हैं प्राउड को, रश्क अपनी नजरों पे रश्क आ रहा है, अपनी नजरों पे रश्क आ रहा है, अपनी नजरों पे रश्क आ रहा है, तू ही तू है जिधर देखता, तू ही तू है जिधर देखता, तू ही तू है जिधर देखता, अरे जिधर देखता हूँ, तू ही तू है जिधर देखता, जिधर देखता हूँ, तू ही तू है, तू है तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, मोहब्बत में अब इतनी दिलकशी महसूस करता हूँ, मोहब्बत में अब इतनी दिलकशी महसूस करता हूँ, तुम्हारी हर जगह मौजूदगी महसूस करता हूँ, वाह 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 वा। कितनी बड़ी बात है, तुम्हारी तुम्हारी हर जगह मौजूदगी महसूस करता हूँ, सरे महफिल तुम्हें जब देखता हूँ जीनते महफिल, सरे महफिल तुम्हें जब देखता हूँ जीनते महफिल, महफिल की जीनत जिसको सब महफिल देखती हो, सरे महफिल तुम्हें जब देखता हूँ जीनते महफिल, खिरदमंदों में भी दीवानगी महसूस करता हूँ,
खिरतमंद कहते हैं समझदारों को, जो ज्यादा ही अकलमंद होते हैं, समझदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, उनको। खिरतमंदों में भी दीवानगी महसूस करता हूं, होशियार लोग भी दीवाने हो जाते हैं। खिरतमंदों में भी दीवानगी महसूस करता हूं, ये मुझको कौन सी मंजिल में ले आया जुनू मेरा, ये मुझको कौन सी मंजिल में ले आया जुनू मेरा, हर एक सूरत में सूरत आपकी महसूस करता हूँ, तू ही तू है जब देखता हूँ, तू ही तू है जब देखता हूँ, तू ही तू है जब देखता हूँ, तू ही तू है नहीं। इश्क का जिसमें कुछ असर, भला उसकी हुस्न पे क्या नजर, अरे उसे क्या बसंत की हो खबर, जो रंगा ना जाए गुलाल में, उसे क्या बसंत की हो खबर, जो रंगा ना जाए गुलाल में, क्योंकि तू ही तू है जिधर देखता हूं, तू ही तू है जिधर देखता हूं, तू ही तू है जिधर देखता हूं, तू ही तू है जिधर। ये भी है एक अंदाज़े सजदा, ये भी है एक अंदाज़े सजदा, ये भी है एक अंदाज़े सजदा, ये भी है बस तेरी रह गुजर देखता हूँ, बस तेरी रह गुजर देखता हूँ, बस तेरी रह गुजर देखता। ये भी एक सजदे का अंदाज है, ये भी एक सजदा है, बस तेरी रह गुजर देखता हूँ, जहां से तू गुजरता है वही देखता हूँ। ये भी है एक अंदाज़े सजदा, ये भी है एक अंदाज़े सजदा, बस तेरी रह गुजर देखता हूँ, बस तेरी रह गुजर देखता हूँ, बस तेरी रह गुजर देखता हूँ। लोग मेरी तरफ देखते हैं, 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 मैं न जाने किधर देखता, मैं न जाने किधर देखता हूँ, मैं न जाने किधर देखता हूँ, देखता। उसको देखा है जिसके देखने के लिए लोग मरते हैं, उसको देखा है जिसको देखने के लिए लोग मरते हैं, उसको देखा है जिसके देखने को लोग मरते हैं, नजरबाजों हमारी भी जरा हद नजर देखो, मैं न जाने किधर देखता हूँ, मैं न जाने किधर देखता हूँ, मैं न जाने किधर देखता हूँ, अब सब नजर देखता है।